फ्रेंड्स, आई एम सोम्या दे और आई होप दे कि आपने नीचे का जो टाइटल पढ़ के पता चल गया कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने कार खरीदा है, सेकेंड हैंड कार ही मैंने खरीदा है, तो वो नहीं बताऊँगा कौन सा कंपनी है, कुछ भी नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक छोटा सा मैं क्लिप दूंगा। तो एक गाइस, मैं माफ़ी मांगूंगा कि मेरा वीडियो अभी रेगुलर नहीं आ पाएगा, क्योंकि और आज मैंने बहुत कष्ट किया, मेरा सुबह में ही हो जाता, बट क्या करूँ, मेरे डैड का जो है, मेरा डैड हॉस्पिटलाइज है, कल ही मेरा डैड हॉस्पिटल में, कल नहीं परसों गया था, कि मेरा डैड का जो, मैं आपको पहले ही बोला था, मैं पहले दो तीन वीडियोस के पहले, कि एक इंजरी हुआ है मेरे डैड को, सीढ़ी से गिर के यहाँ पे बोन में फ्रैक्चर हो गया है। तो वो फ्रैक्चर तो जब चित्रंजन हॉस्पिटल में मैं करवाया था कलकत्ता के, तो एक प्रॉब्लम हो गया है चित्रंजन हॉस्पिटल, बहुत तब डैड का ये जो है ना शोल्डर, ये हिप गर्डल, ये बहुत पेन कर रहा है डैड का शोल्डर। तो उस समय डैड को भी प्रॉब्लम था, उस समय दिखाया बोला फ्रैक्चर, तो उसके भी जो सीमेंट लगाया था कुछ भी नहीं लगा, सीमेंट की तरह कुछ लगाता है कोई मलम, कुछ लगाया नहीं, ऐसे ही पैट करके दे दिया था। तो एक बोला था दवाई लो और एक महीने के बाद वो अपने आप इट विल बी प्रॉपर, पर एक महीना हो गया, कल गया, कल नहीं, 15 अक्टूबर को गया था, तो मैं डैड का हाथ दिखाया, वो जुड़ा नहीं अभी तक। तो उसके बाद डैड का बोला कि यहाँ पे एक प्लास्टर होगा, प्लास्टर नहीं, फिर से नहीं, फिर प्लास्टर कर दिया। तो मेरे यहाँ पे एक डॉक्टर है, उन्होंने उसको दिखाया, तो वो देखकर बोला कि अंदर का जो हार्ट, जो हमारा बोन्स होता है, और हमारा जो मीट होता है, मांस जो होता है, मतलब हम लोग के अंदर में जो फ्लैश होता है, वो दोनों, वो फ्लैश और जो बोन्स का जो गैप होता है फ्रैक्चर में, आई होप फ्रैक्चर तो आपको पता होगा कि जो बोन्स का जो गैप है ये इतना बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ना जो जो मीट फ्लैश जो है वो अटक चुका है वहाँ पे, तो वही मेरा प्रॉब्लम हो गया है। तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगूंगा। और मैंने एक सेकेंड हैंड कार ख़रीदा है, तो मैंने एक उसका नहीं बोलूंगा कौन सा कंपनी, सब छोटा सा क्लिप दे रहा हूँ, आपको गेस करना है कि कौन सा कार ख़रीदा है। तो मैं सुबह को, मैं डैड को मैं देखने गया था ऑटो में, तो देखने गया था, पापा से बात किया, और उसके बाद शाम को एक गाड़ी का लेकर ही काम था, कुछ डिफेक्ट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले इस वीडियो में आप क्लिप दूंगा, इसमें गेस करिए मैं कौन सा कार खरीदा हूँ, कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा मैं कौन सा कार खरीदा है लला। और दो कमेंटर, वो सब्सक्राइबर मेरा पकड़ लिया, जैसे ब्रिटोस क्रिस्टो जैचरिया चैन आर एफ पांडे पकड़ लिया कि मैं कौन सा कार खरीदा है। वो आई होप आर एफ पांडे इंस्टाग्राम में देखकर ही, वो भी इंस्टाग्राम में देखा तो मुझे खुद बोला है ब्रिटोश, और आर एफ का तो पता है क्योंकि मैं बोला तो उसको मैंने क्वेश्चन किया है। तो प्लीज़ जल्दी जाके जाइए इंस्टाग्राम में जाके आप क्वेश्चन कीजिए, 10 क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कॉन्टेस्ट बनाऊंगा। मैं आपको तो बोला हूँ थैंक यू फॉर द 300 सब्सक्राइबर्स गाइज, एंड प्लीज़ जाके कमेंट कीजिए एनीवेज। और एक चीज़, वो कमेंट करके ब्रिटिश की, हाँ ब्रिटिश की जैस्टियस वहाँ पे कमेंट करके बोला, और जो पहले वीडियो में सबको पकड़ लिया था इसमें आर एफ पांडे ने, कि मैंने कार खरीदा है, तो कार मैंने खरीदा है सेकेंड हैंड ही। तो उसके बाद आर एफ पांडे ने पकड़ लिया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट दिया था काइनेटिक को ऐसे खड़ा होकर, मैं बैठ कर ऐसे करके, कि इस माई जॉय माई स्कूटर नॉट स्कूटर जॉय प्राइड, और वहाँ पे पीछे मेरा गाड़ी का चक्का दिख गया था, बम्पर थोड़ा हेडलाइट, तो पकड़ लिया था गैंग कार खरीदा है, हैचबैक छोटा सा, बट पकड़ नहीं पाया कौन सा गाड़ी है। तो छोटा सा मैं क्लिप वीडियो दे रहा हूँ, आप प्लीज़ देख के उसको कमेंट कीजिए, बोलिए कौन सा कार है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गिकी सोम्या मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई फेसबुक पे गिकी सोम्या मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट द इलेक्ट्रॉनिक जीनियस 2018। थैंक यू, एंड प्लीज़ जल्दी जाके प्लीज़ वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कौन सा कार मैंने खरीदा है, क्लिप दे रहा हूँ, बाय।